और अब सेकंड विनर थर्ड नंबर सम्मानित हो रहा आदित्य कुमार झुंझुनू से, आपने 6 मिनट 42 सेकंड में आपने अपनी दौड़ कंप्लीट की। आज झुंझुनू के लालों ने कमाल कर दिया, वाकई में बहुत ही शानदार आयोजन। और जो भी प्रतिभागी जिन्होंने इस मैराथन में भाग लिया, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, आप आगे हमेशा तैयार रहे। दो नंबर पर मुकेश कुमार सनोप श्री सुल्तान सिंह जी, 6 मिनट 38 सेकंड में आपने दौड़ अपनी कंप्लीट की है, आप आए और लैपटॉप के माध्यम से अपना पुरस्कार सब प्राप्त करें। आपके हौसले को, आपके जज्बे को सलाम, और आदरणीय महिपाल महिला जी की ओर से आप सभी की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आज की इस खूबसूरत संध्या के आप साक्षी बने और ये फतेहपुर सीकर के इतिहास में आज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस वक्त मंच पर सम्मानित हो रहे हैं बॉयज में सेकंड नंबर पर रहे मुकेश कुमार सनोप श्री सुल्तान सिंह जी। और बिल्कुल ऐसे आयोजन होते रहे, युवाओं में जोश का संचार होता है। और थैंक यू जो एक नंबर पे लड़का रहा, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए टोंक से आकर के, जिसने टोंक से आकर के सीकर और सीकर के फतेहपुर से कबाडी में अपना परचम लहराया, हेमराज गुजर सनोप श्री गोविंद राम जी, टोंक से आप हैं। 6 मिनट 28 सेकंड में आपने अपनी दौड़ कंप्लीट। जोरदार तालियां भैया, बिल्कुल इनके जज्बे को सलाम। और दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि बुलबुल के परों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिल लोगों के कभी राज नहीं होते, सर झुकाकर चलने की आदत हो जाए जिनको मेरे दोस्तों, उनके सरों पे कभी तख्त तो ताज नहीं होते। इनके हौसले को सैल्यूट। आज की मैराथन के विजेता बुलेट, चमचमाती बुलेट लेके अपने घर जा रहे हैं, और ऐसी मैराथन समय समय पे होती रहे, युवाओं में जोश का संचार होता है। और सबका मन है कि ये फोटो जो देश दुनिया में जाएंगी, टोंक से हेमाराम गुजर, वो लाल जिसने अपनी साधना से वो कर दिखाया, तो उस रॉयल इनफील्ड जो भाई महिपाल महिला जी की टीम की ओर से दी जा रही है, उस रॉयल इनफील्ड के पास ही सभी अतिथि पहुंचे और उसको यहीं ले आए और एक वो फोटो दुनिया देखे, महिपाल जी महिला का दिल और हेमाराम की मेहनत। हिंदुस्तानों जी, ऐसे आयोजनों से युवाओं में जोश का संचार होता है वाकई में। ओ भाई, हम सबसे दूर भी आयोजाई के बुलेट बड़े भी है ती दूर जा बताई कोई। और आज इनके हौसले की उड़ान, राम भाई बैठे पर दिखाए। और भाई एमडी देसी सुभाष फौजी और हर्ष छिंकारा भाई, वो भी आए शानदार सी फोटो में। एमाराम भाई इपर बैठो और आज चाबी हाथ में लियो। और भाई हेमाराम जी के बड़े भाई राकेश जी यहाँ आए हुए हैं, उनको भी मान सम्मान के साथ भाई महिपाल महिला का निवेदन है, वो मंच पर आए। देखिए जब सम्मान होता है तो पूरे परिवार का होता है। एमाराम भाई इपर बैठो, पंगा जब सम्मान होता है तो पूरे परिवार का होता है। चाबी हाथ में दो और ये संस्कार बताते हैं हेमाराम गुजर के।